Assalamualaikum students, I hope you all are fine. I am also fine, Alhamdulillah. Today we are going to learn the lesson of English book and our today topic is our village. O-U-R-R-V-I-L-L-A-G-E, village, our village, यानी कि हमारा गाँव. आज मैं आपको जिस बच्चे की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम तारिक है, ठीक है. हमारी क्लास में बहुत से बच्चे हैं. कुछ बच्चे सिटी से बिलोंग करते हैं, कुछ चून से हैं वो विलेज से बिलोंग करते हैं. तारिक जो है वो विलेज से बिलोंग करता है. तारिक की फैमिली में उसका छोटा यानी कि यंगर ब्रदर है जिसका नाम अवैस है. इसके अलावा उसकी फैमिली में उसके फादर हैं, मदर हैं. उसके फादर जो उनसे हैं जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं उनके फादर क्या काम करते हैं. उनके ऑफकोर्स उनके फादर जो हैं फार्मर हैं, किसान हैं, यानी कि खेतों का काम करते हैं. जबकि उनकी वालिदा यानी कि मदर घर का काम करती हैं. पीछे वाली पिक्चर में दिखाया देख सकते हैं आप लोग कि एक हाउस है जो कि तारिक और अवैस अपने बाबा के साथ उस घर में रहते हैं, ठीक है. हाउस के पास ही वेल है जिसमें वाटर है, ठीक है. अब नेक्स्ट हम इसकी रीडिंग की तरफ आ जाते हैं. आई ए एम एम टी ए ता आर आई क्यू रिक आई एम तारिक, यानी कि तारिक कहते हैं मैं तारिक हूँ. सबसे पहले वो अपना इंट्रोडक्शन बता रहा है. नेक्स्ट लाइन इज टी एच आई एस डी आई एस ई ए डब्ल्यू ए आई एस अवैस. दिस इज अवैस, वो अपने भाई के बारे में बता रहा है कि दिस इज अवैस, यानी कि ये अवैस है, मैं तारिक हूँ और ये अवैस है. ए टी ई आई एस ई एम वाई माई बी आर ओ जो टी ए टी आई बस ब्रदर ही इज माई ब्रदर. तारिक कहता है कि मैं तारिक हूँ, ये अवैस है और ये मेरा भाई है. नेक्स्ट लाइन में आ गई डब्ल्यू ई वी एल आई वी ई वी एल आई एम ई आर वी आई डब्ल ए वी ई विलेज वी लिव इन अ विलेज. सारी कहते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, विलेज में रहते हैं, फिर गाँव में रहते हैं. नेक्स्ट लाइन में आ जाइए. टी एच ई आर देयर आई एस इज आर डब्ल्यू ई डबल एल वेल एन ई ए आर नेयर ओ यू आर आर एच ओ यू एस सी हाउस. कहते हैं वो तारीख कह रहा है कि हमारे घर के पास ही एक वेल है, मतलब कुआँ है, ठीक है. नेक्स्ट लाइन वी एल आई वी ई लिव डब्ल्यू आई टी एच विद ओ यू आर आर एफ ए टी एफ ए फा टी एच ई आर दर फादर ए एन डी एंड एम ओ टी एच ई आर मदर. कहते हैं हम जो उनसे हैं ना, यानी कि उसके फादर, उसकी मदर और अवैस, अवैस जो कि उसका छोटा भाई है, वो कहाँ रहते हैं, विलेज में रहते हैं और एक साथ मिलके रहते हैं. नेक्स्ट पिक्चर की तरफ आ जाएं, ठीक है. इस पिक्चर में देखा जा सकता है कि तारिक जो है वो एक एनिमल के साथ है. अच्छा, तारिक लो के घर, तारिक ने ना अपने घर के पास ही कुछ एनिमल्स भी रखे होते हैं, ठीक है. काओ भी रखी होती है, गोट भी रखी होती है, बैफलो भी रखी होती है, लेकिन सबसे जो उसका फेवरेट ही नहीं कि सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा एनिमल होता है वो खाओ होती है. उससे इतना प्यार होता है कि उसका एक नाम भी रखा होता है. आपको पता है वो कौन सा नाम है, गोरी. उसका नाम क्या था, गोरी. और काओ चूँकि एक एनिमल है और इससे हम क्या लेते हैं, क्या बेनिफिट लेते हैं, क्या बता सकते हैं, इससे हम मिल्क लेते हैं, मिल्क. चले अब ब्रीडिंग की तरफ आ जाते हैं. टी एच आई एस दिस आई एस इज ओ यू आर आर सी ओ डब्ल्यू खाओ दिस इज आवर खाओ. तारिक बता रहा है कि ये हमारी खाओ है. एच ई आर हर एन ए एम ई नेम आई एस इज जी ओ आर आई गोरी. इसका नाम क्या है, गोरी है. नेक्स्ट लाइन में एस एच ई शी जी आई वी ई एस गिव्स ओ यू सॉरी यू एस एस एम आई एल के मिल्क शी गिव्स एस मिल्क. यानी कि ये हमारी गाय है, इसका नाम गोरी है और ये हमें क्या देती है, मिल्क देती है, ठीक है. मैं दोबारा अगेन इसकी रीडिंग करवा रही हूँ. दिस इज और खाओ, दिस इज और खाओ, हर नेम इज गोरी, शी गिव्स एस मिल्क. ओके, द लास्ट टॉपिक, द लास्ट पैराग्राफ अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं आपको क्या दिख रहा है,
आप लोग बता सकते हैं? ऑफ कोर्स इसमें एक स्कूल की पिक्चर है और यहाँ पे टू बॉयज़ हैं। आप लोग पता है कि उनसे बॉयज़ है वही जिनकी हम स्टोरी सुन रहे हैं, ठीक है? ये तारिक है और जो यंगर है ना यानी कि छोटा लड़का है वो इसका भाई है, ब्रदर है, जिसका नाम क्या है, अवैस है। ये दोनों रेडी होकर स्कूल जा रहे हैं। चलिए आप रीडिंग की तरफ आ जाते हैं, ठीक है? टी एच आई एस दिस आई एस इज ओ यू आर आर एस सी एच डबल एल स्कूल वी दिस इज आर स्कूल। यानी कि हम तारिक बता रहा है कि ये हमारा स्कूल है जहाँ पे तारिक और अवैस दोनों पढ़ने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट लाइन डब्ल्यू ई वी एस टी यू डी वाई स्टडी एच ई आर ई हेयर वी स्टडी हेयर स्कूल में कहता है हम पढ़ने जाते हैं, ठीक है? हम यहाँ पढ़ने जाते हैं, ठीक है? इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाता है। अब हम नेक्स्ट होमवर्क की तरफ आते हैं। आप लोगों ने इंग्लिश की बुक का पेज नंबर 60 जो है वो फुल रीडिंग रिवाइज करनी है, क्योंकि हम ऑलरेडी ये रीड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है आप वर्कबुक पे आ जाएं और वर्कबुक पे भी हमारा सेम टॉपिक है आर विलेज, और इसमें आप लोगों ने बुक का पेज नंबर इंग्लिश की वर्कबुक का पेज नंबर 7070 होमवर्क में राइट करना है, ठीक है? फर्स्ट जो हमारे पास फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, ठीक है, 5 फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट में वो कह रहे हैं आई एम डैश, तो किसकी बात हो रही है, किसकी स्टोरी सुनाई है मैंने आपको, तारिक की ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तारिक, तो हमने तारिक राइट कर दिया, टी ए ता आर आई क्यू रिक तारिक। नेक्स्ट फिल इन दी ब्लैंक्स की तरफ आ जाते हैं, राइट किया हुआ है डैश इज माई ब्रदर, उसके ब्रदर का क्या नेम था, ऑफकोर्स उसके ब्रदर का नेम अवैस था ना, तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, अवैस ए डब्ल्यू ए आई एस अवैस, ठीक है? नेक्स्ट थर्ड लाइन में आ जाएं, थर्ड लाइन में हम रीड करेंगे डब्ल्यू ई वी एल आई वी ई लिव वी लिव आई एन इन आ डैश, वो कहाँ रहते हैं, विलेज में रहते हैं, तो हम यहाँ पे विलेज राइट करेंगे वी आई डबल एल ए जी ई विलेज। अब नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं, ठीक है, ओ यू आर आर एफ ए फा टी एच ई आर दर फादर आई एस इज आ, उनके फादर जो उनसे हैं कहता है तारिक, कहता है हमारे फादर क्या हैं, फार्मर थे ना, तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, फादर एफ ए आर फार एम ई आर मर, ठीक है? फर्स्ट वाली फिल इन ब्लैंक्स में उन्होंने बोला कि मैं क्या हूँ, तारिक हूँ, तो हमने तारिक राइट किया। सेकंड वाली फिल इन ब्लैंक्स में उन्होंने पूछा ब्रदर नेम, तो हमने ब्रदर नेम बताया। थर्ड वाली फिल इन ब्लैंक्स में उन्होंने पूछा कि हम कहाँ रहते हैं, तो हम कहाँ पर रहते थे तारिक लोग, विलेज में रहते, तो हमने विलेज राइट किया। फोर्थ वन फिल इन ब्लैंक्स में उन्होंने पूछा था कि हमारे फादर जो से वो क्या काम करते हैं, फार्मर थे ना उनके बाबा, ठीक है, तो हमने फार्मर राइट किया, फार्मर मीन्स किसान। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास फिल इन ब्लैंक्स आ जाती है जिसमें लिखा हुआ है जी ओ गो आर आई डी गोरी जी आई वी एस गिव्स यू एस एस एम आई एल के मिल्क गोरी गिव्स अस मिल्क। गोरी क्या कौन थी, ऑफ कोर्स वो क्या कौन थी, किसका नाम था, खाओ खा, तो खाओ हमें क्या देती है, मिल्क देती है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे मिल्क राइट किया। नेक्स्ट लास्ट पे हमारे पास आ गई है मैचिंग, ऊपर जो उनसे वो एनिमल्स की पिक्चर्स हैं, ठीक है, हैन की है, शीप की है, बी की है और खाओ की है, और नीचे वो उन चीज़ों की पिक्चर्स हैं जो हम इन एनिमल्स से लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैन ने, तो हैन हमसे हम क्या लेते हैं, एग लेते हैं ना, तो हैन को हमने एग से मैच किया। नेक्स्ट शीप है, तो शीप को हमने यॉर्न के साथ मैच किया, ठीक है, शीप से हम यॉर्न लेते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में बी है यानी कि शहद की मक्खी है, उससे हम क्या लेते हैं, शहद लेते हैं ना, हनी, तो हमने हनी से मैच किया। और लास्ट पिक्चर में खाओ है यानी कि गाय है, ठीक है, और खाओ से हम क्या लेते हैं, मिल्क लेते हैं ना, तो हमने मिल्क मैच किया। प्यारे बच्चों आप लोगों ने रीडिंग अच्छे से रिवाइज करनी है, ठीक है, इंग्लिश की बुक पेज नंबर 60 से, इसके अलावा वर्कबुक का पेज नंबर 7070, ठीक है, आपने होमवर्क में अच्छे से राइट करना है। अल्लाह हाफिज़। इसके साथ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।